बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है ना। इसमें हम लोग पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे, टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिए थे। तो टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस जो था, सॉरी टाइप ऑफ न्यूक्लियस इसके बारे में पढ़ते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है एक बहुत बड़ा फैमिली से बिलोंग करता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। अब उसमें दो टाइप का हो सकता है, एक को एक्सो न्यूक्लियस बोले थे और एक को एंडो न्यूक्लियस बोले थे। और यहाँ तक कहानी को हम लोग पूरा क्या कर लिए थे, रिकैप कर लिए थे, समझ लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करेंगे कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन रहा। तो सबसे पहले जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हम उसी के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। और पहला पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको हिंद सेकेंड बोलते हैं। क्या नाम है इसका, हिंद सेकेंड। सर नाम हिंद सेकेंड है और ये फर्स्ट है, है ना। हिंद सेकेंड नाम है और ये कौन है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, नाम है हिंद सेकेंड और नाम कौन है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कन्फ्यूजन तो होगा ही कि आखिर ऐसा क्यों है। देखो हुआ ये कि इसको आइसोलेट कर लिया गया पहले, है ना, मतलब कि पहले खोज लिया गया, लेकिन आइसोलेशन इसका जो अप्रोक्सीमेट 5 साल बाद हुआ, है ना। तब तक कोई और आ गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, हिंद सेकेंड बोल दिया गया, है ना। क्या बोला गया, हिंद सेकेंड बोला गया। अब हम बात करते हैं हिंद सेकेंड के कुछ खास बात में, कुछ खास सा चीज़ बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हिंद सेकेंड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाकर के ये कट करता है। हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम वही चुने थे, सेकेंड वाला टाइप 2 को रखे थे। टाइप 2 को इसलिए रखे थे क्योंकि हमको स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाकर के काटने वाला ही चाहिए था, कहीं भी काटते वो नहीं चाहिए था, इसलिए हमने ये रख लिया। अब इसका खास बात यह है कि देखो यहाँ पे क्या करेगा, 5' ये रहा और यहाँ पे है 3', ठीक है, 5' से 3', और यहाँ पे जी है, टी टी ए ए सी है। अब इसके उल्टा अगर करें तो ये हो जाएगा 3' और ये हो जाएगा 5'। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन तत्काल में ऐसे अगर आया तो हम बता दे रहे हैं, बाद में तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब इसका उल्टा सुनो, ये सॉरी यहाँ सी हो जाएगा। अब हमेशा याद रखना होता है कि एडियानिन जो है वो थायामिन के साथ होता है, है ना, और ग्वानिन किसके साथ होता है सर, साइटोसिन के साथ होता है। एडियानिन थायामिन के साथ होता है और ग्वानिन किसके साथ होता है, साइटोसिन के साथ होता है। तो इसके अपोजिट कौन होगा, इसके अपोजिट ग्वानिन होगा, इसके अपोजिट कौन होगा, थायामिन, फिर यहाँ पे एडिया, ये और ये रहा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये से हम लिख सकते हैं सर, यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे टी टी, और ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब सुनो हिंद सेकेंड का खास बात ये है, हिंद सेकेंड का खास बात ये है कि ये जो है वो अपने पार्टिकुलर एक सीक्वेंस पे जा करके कट करता है, और हमेशा जो कट है वो टी और ए के बीच में लगाता है। कहाँ लगाता है, टी और ए के बीच में कट लगाता है, ठीक है, टी और ए के बीच में क्या करता है, कट लगाता है। तो इसको हम बोलते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि इसमें देखो क्या है, जी टी टी है ना, तो जी टी टी ए ए सी है ना, इसको क्या बोलेंगे, जी टी टी ए ए सी, ये याद रखना है क्योंकि ये हिंद सेकेंड का क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। और ये कितना बेस का होता है सर, ये 6 बेस पेयर है, 1 2 1 2 3 4 5 6, ये कितना बेस पेयर है, 6 बेस पेयर है, ये बात याद रखना है। 6 बेस पेयर का सीक्वेंस किसका है, हिंद सेकेंड का है, जहाँ ये इसको सर्च करेगा और जहाँ मिलेगा उसको क्या कर देगा, ये कट कर देगा। रिस्ट्रिक्शन का काम ही होता है कट करना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आज के दौर में अप्रोक्सीमेट 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम क्या कर चुके हैं, सर्च कर चुके हैं, खोज चुके हैं, है ना। और इससे कितना स्ट्रेन कितना है, 230 स्ट्रेन से। ये बात तो याद रखना है आपको कि टोटल मिलाकर के आज कितना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोज लिया गया है, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोज लिया गया है। और स्ट्रेन कितना है, तो 230 स्ट्रेन से 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोज लिया गया है, है ना। यहाँ पे क्या है ये, अब हम बात करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। जैसे कि देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आखिर होता क्या है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का सिंपल मतलब होता है, चाहे आप इधर से पढ़ो और चाहे आप उधर से पढ़ो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे हम कुछ आपको बताते हैं, जहाज, ठीक है, इसको चाहे आप इधर से पढ़ो और चाहे इधर से पढ़ो, ये पढ़ा तो जहाज ही जाएगा ना, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें नितिन के बारे में, देखो नितिन
देखो नितिन, आप इधर से पढ़ो फिर भी ये नितिन है, आप इधर से पढ़ो फिर भी ये नितिन है, ठीक है ना। उसके बाद एक और बात कर लेते हैं, मलयालम जो अपने बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना, मलयालम। देखो आप इधर से पढ़ो फिर भी ये मलयालम पढ़ा जाएगा, और आप इधर से पढ़ो फिर भी क्या होगा, मलयालम पढ़ा जाएगा। तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ही यही होता है। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब उल्टा सीधा एक समान, है ना, उल्टा सीधा एक समान, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो उल्टा सीधा एक समान हो उसी को क्या बोलते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो अभी हम एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा बात करते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि एक हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लेते हैं, इको आर वन क्या लेते हैं, इको आर वन, यह एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इको आर वन का पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस, है ना, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, ठीक, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, या फिर इसी को पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोलो या फिर क्या बोलो, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलो। जैसे कि अगर हम बात करें इको आर वन के लिए रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन होगा सर, यहाँ पे होगा घातक, कौन होगा, घातक, इस तरह से याद रखना है, और 5' से इधर 3', ठीक है। अब ये ऐसे लिख लिए, अब अगर हम एक और सीक्वेंस लिखना चाहें तो ऐसे लिख देंगे, 3' हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कौन, 5', ठीक, यहाँ पे। तो जैसे ये देखो कुछ नहीं करना है, ये 5' से 3', है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 3 और इसको लिख देंगे, तो यहाँ कौन हो जाएगा सर, यहाँ टी जी हो जाएगा, और यहाँ ए हो जाएगा, और यहाँ पे टी हो जाएगा, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी भी पढ़ो, घातक, इधर से भी घातक, इधर से भी घातक, है कि नहीं है। तो यहाँ भी 5 से 3 की तरफ, यहाँ भी 5 से 3 की तरफ, 5 से 3 की तरफ जाने पे इसको पढ़ो तो घातक पढ़ेंगे, और इसको पढ़ो तो क्या पढ़ेंगे, घातक पढ़ेंगे। और ये किसका पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, याद रखना है ये इको आर वन का पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस घातक है ना, ये पक्का से याद होना ही चाहिए कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस घातक है, किसका, इको आर वन का है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये किसके बीच में कट लगाता है सर, ये जो इको आर वन है वो कट हमेशा जी और ए के बीच में लगाता है, हमेशा कट किसके बीच में लगाता है, जी और ए के बीच में कट लगाता है। तो यहाँ पे ये कटेगा और यहाँ पे ये कटेगा, तो ध्यान रखो कैसे कटेगा, सो सुनना एक बार, जैसे कि ये हो गया जी और इधर का पूरा कट घट गया, जी हमेशा सी के साथ कितना बॉन्ड से जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है ना, जी हमेशा किसके साथ जुड़ा होता है, सी के साथ, ट्रिपल बॉन्ड से। अब यहाँ पे टी टी ए ए और जी बचा हुआ है ना, सॉरी जी कहाँ बचता है, जी तो कट गया ना, ये बचा हुआ है इसके तरफ से, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ बॉन्ड पेयर बचा होता है जो बाद में ये करेगा, चलो ठीक है। अब अगला बात करते हैं, यहाँ से इधर से कौन कट गया, इधर से जी, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जी यहाँ बचेगा, और उसके बाद में ये तो पूरा कट के हट गया, इधर आ गया, बच गया ऊपर वाला, तो इधर में बच जाएगा कौन कौन, टी टी ए, ठीक है, इस तरह से। अब सुनो, जो इस तरह का एंड बनता है ना, अगर हम तो अगर गौर से देखो तो कुछ ऐसे बना यहाँ पे, और तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कुछ ऐसे हुआ, और चाहो तो आप इसको फिर से क्या कर सकते हो, फिट कर सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरह के एंड को हम स्टिकी एंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड, स्टिकी एंड बोलते हैं। हाँ ध्यान देना, जैसे कि हम क्या किए सर, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिए जिसका नाम है इको आर वन फर्स्ट, इसको क्या किए डीएनए में डाल दिए, जिसको हमको काटना है वहाँ पे डाल दिए। अब वो क्या करेगा, पूरा डीएनए के ऊपर सर्च करेगा, घूमेगा, और उसको जब ये सीक्वेंस मिलेगा, जब ये बेस पेयर मिलेगा, 6 बेस पेयर यहाँ पर भी है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बेस पेयर हो गया ना, क्योंकि 6 ये हो गया और इसका तो पेयर हो गया, इसलिए 6 बेस पेयर बोल रहे हैं, है कि नहीं है। हाँ देखो, ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि सर ये 20 पेयर किसको बोल रहे हैं, तो जी का मतलब ग्वानिन, ए का मतलब एडियानिन, ठीक है, टी का मतलब थायमिन, सी का मतलब साइटोसिन, ये पढ़ते हैं ना न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियस नाइट्रोजन बेस पेयर,
न्यूक्लियोटाइड में ये नाइट्रोजन बेस पेयर होता है उसी के बारे में बात चल रहा है, तो उसी के ऊपर घूमेगा और इसको क्या कर देगा, काट देगा। तो इस तरह के अगर एंड मिलता है, इस तरह का क्या मिलता है, एंड मिलता है, तो इस तरह के एंड को हम नाम देते हैं क्या, इस तरह के एंड को नाम देते हैं कि स्टिकी एंड मिला। क्या मिला? स्टिकी एंड। और अभी थोड़ा देर पहले हम हिंद सेकेंड के बारे में बात किए थे, थोड़ा उसको देखिएगा, देखिए है ना, जैसे कि हिंद सेकेंड के बारे में बात किए थे, हिंद सेकेंड, ठीक है, तो हिंद सेकेंड के बारे में थोड़ा सा बात करो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जी, उसके बाद में है टी, टी ए ए सी, ये किसका है, हिंद सेकेंड का है, 5' से 3', और यहाँ से चलो तो जी टी टी ए ए और सी, इधर 3', और इधर हो जाएगा 5', और वहाँ पे जो कट लग रहा था, यानी कि हिंद सेकेंड में जो कट लग रहा था वो टी और ए के बीच में लग रहा था, तो टी और ए एक साथ मिल जा रहा था, तो ये इस तरह का एंड बनता है। तो इस तरह के एंड को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के एंड को हम ब्लंट एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लंट, ठीक है, ब्लंट एंड, ब्लंट एंड बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हिंद सेकेंड, इसको ब्लंट एंड बोलेंगे। अब देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, अब एक बार और हम इको आर वन लिखेंगे, इको आर वन, इको आर वन में देखो कितना मतलब ये है, 5' से यहाँ भी चलेंगे, यहाँ पर भी पहले जी है, लेकिन क्या आ जाता है, डबल ए तब टी और तब सी आता है, तो ये किसका है सर, ये सीक्वेंस जो है वो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस जो है वो इको आर वन का ये है, इको आर वन का जी ए ए टी टी सी है, घातक है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जी के बाद डबल टी है, ये नहीं भूलना है, ठीक है ना, तो यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको याद एक रखना है और दूसरा उसका क्या हो रहा था, अपोजिट हो रहा, ऐसा कुछ हो रहा था, वो ध्यान में रख लेना है। तो इको आर वन का ये है और हिंद का ये है। इको आर वन के लिए कैसा बनता है सर, स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है, जबकि हिंद सेकेंड में कैसा फॉर्मेशन होता है, ब्लंट एंड का फॉर्मेशन होता है। इतना तक आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि हम जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको किस तरह से नाम रखा गया, क्योंकि हम तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, एक छोटा सा बात लिख रहे हैं ना, छोटा छोटा चीज़, तो उसका नाम आखिर कैसा रखा गया, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक होगा अपना नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, यहाँ के बारे में अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सुनो, एक एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर आखिर कैसे किया जाता है। तो सुनो ध्यान से, एच आई एन डी हिंद, और ये हो गया सेकेंड। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है, ये जो पहला लेटर है, सबसे पहला लेटर, वो फर्स्ट लेटर के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट लेटर अभी ही याद करो भाई, साथ के साथ में याद करो, अब समय नहीं है कि पहले पढ़ेंगे फिर बाद में पढ़ेंगे ना, हाँ बाद में भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ के साथ ही कोशिश करो कि याद हो जाए। नहीं तो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट लेटर जीनस का नेम होगा, जीनस नेम, ठीक, फर्स्ट लेटर जीनस नेम। तो यहाँ पे जहाँ से इसको लिया गया उसका नाम है हेमोफिलस। क्या नाम है? हेमोफिलस। तो ये जो एच है वो कौन है? हेमोफिलस है, हेमोफाइलस, ठीक है, हेमोफाइलस है। उसके बाद में ये जो सेकेंड है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दो लेटर है, सेकेंड टू लेटर, ठीक है, सेकेंड टू लेटर, ये सेकेंड टू लेटर क्या है? तो सेकेंड टू लेटर जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीसीज को, कि कौन सा स्पीसीज है, ठीक है ना, स्पीसीज, ठीक, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जहाँ स्पीसीज से इसको लिया गया है वो स्पीसीज है इन्फ्लुएंजा। कौन है? इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। तो ये हो गया इन्फ्लुएंजा, तो सेकेंड टू लेटर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है और ये है इन्फ्लुएंजा, ठीक, यहाँ तक में। अब ये जो थर्ड लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
तो थर्ड लेटर जो है वो स्ट्रेन को बताता है कि कौन से स्ट्रेन से इसको क्या किया गया था, निकाला गया था। और ये जो रोमन लेटर में लिखा होता है उसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। उसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर रहा। तो तुमसे पूछेगा कि पहला लेटर का क्या मतलब है, सेकेंड दो लेटर का क्या मतलब है, उसके बाद ये थर्ड लेटर उसका क्या मतलब है, ये जो रोमन में लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। सबका अपना अपना एक मतलब होता है और वही मतलब आपको क्या करना है, बताना है। तो हम बोले कि सबसे पहला जो लेटर है उसका मतलब है जीनस, है ना। फर्स्ट लेटर का मतलब जीनस का नेम है, और जीनस नेम यानी कि ये हिंद सेकेंड है वो कहाँ से लिया गया था, आपको याद होगा हम सबसे पहले जब एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे थे तो हम बात किए थे कि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लिया गया है ना, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। तो पहले कहाँ से लाया गया इसको, सर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से लाया गया, ठीक है। तो ये दूसरा दो लेटर है, सेकेंड टू लेटर, देखो ध्यान से, सेकेंड टू लेटर उसके स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। और जो थर्ड लेटर यानी कि बाद का जो लेटर है, फोर्थ लेटर है, उसको बोल देंगे स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो रोमन में लिखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सेकेंड, चलो ठीक, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थर्ड मतलब ये जो रोमन में लिखा हुआ है वो लेटर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। जैसे कि अभी हम लेंगे इको आर वन, कौन सा एग्जांपल लेंगे, इको आर वन, ई को आर वन, ठीक है। इको आर आई भी बोलता है कई लोग इको आर वन बोलते हैं, हम इको आर वन बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये जो है वो फर्स्ट लेटर है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, और आपसे सॉरी जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जीनस नेम को, किसको, जीनस नेम को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड का दो लेटर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेन। और जो ये लास्ट वाला लेटर है वो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम इससे आगे बात करेंगे, किसके बारे में, देखो यहाँ तक हम पूरे तरह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में क्या कर लिए, पढ़ लिए, क्योंकि जब हमको पढ़ना था टूल्स तो उसमें हमने क्या किया, एक लिया जिसका नाम था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमारा कहानी क्या हो गया, खत्म। अब हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वैक्टर के बारे में। अब नया हेडिंग जो होगा वो क्या होगा, क्लोनिंग वेक्टर होगा। तो अभी हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक सेकेंड। देखो ये चैप्टर जितना हल्का है, मतलब जितना डिफिकल्ट है, या फिर बोल सकते हैं कि जितना लेंदी है, हम इस चैप्टर को उतना ही आसान बना करके पढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है, इस चैप्टर से उबना नहीं है, चीज़ों को मान लो, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट नहीं है, सिंपल सी बात है, हम लोग साइंटिस्ट नहीं हैं। तो आपको जो प्रोसेस बताया जाना है कि वो प्रोसेस को सिर्फ क्या करो, मान लो कि हाँ ऐसा होता है, अब उसके बाद भी और कुछ होता है तो एक बार और कंप्लीट करो, फिर बाद में करते रहना नॉन मेडिकल फील्ड में जाकर के, कोई दिक्कत थोड़े है, कन्वर्ट हो जाना नॉन मेडिकल फील्ड में, पर कोई बात नहीं। पर हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं सर कि ये चीज़ें जो है वो हमको परेशान कर रही है, पर कोई बात नहीं, एक एक चीज़ को खाली पढ़ते जाओ, समझते जाओ, और क्वेश्चन उसी पैटर्न में आएगा जिस पैटर्न में हमको जवाब देना होगा। तो एक एक चीज़ को पढ़ते जाओ, है ना, आराम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि वर्किंग, मतलब ऐसे तो खैर ख़त्म हो गया है, लेकिन वर्किंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में भी बात करो तो कर सकते हो। एनसीईआरटी में फिगर दे करके रखा, आप एक बार देख लीजिए कि हमेशा क्या किया जाता है, जो शुरुआत में कर रहे थे कि डीएनए यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना जो था उसको, और साथ के साथ में हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये प्लाज्मिड है उसको, दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, और फिर बाद का तो प्रोसेस आपको हम पहले ही बता चुके हैं, वहाँ तक तो आपको आता ही है, ठीक है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे किसके बारे में, क्लोनिंग फैक्टर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अभी किसके बारे में बात करेंगे, क्लोनिंग वैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो क्लोनिंग वैक्टर आखिर होता क्या है, सबसे पहली बात ये सुनो ध्यान से, क्लोनिंग वैक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। अब हम एक बात बताते हैं, एक जो है एग्जाम्पल, मतलब एक है
जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफाज, यानी कि ये वायरस है। ये क्या है सर? वायरस है, ठीक है, वायरस है। और एक प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होता है। कैसा होता है ये? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, रेप्लिकेटिंग यूनिट होता है, यूनिट। इन दोनों के बारे में खास बात सुनो। देखो, बैक्टीरियोफाज जो कि एक वायरस है, ठीक है, है ना, और प्लाज्मिड जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट है, ये दोनों के दोनों किसी भी सेल के भीतर, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो या फिर किसी और का सेल हो, है ना, ह्यूमन का सेल हो, किसी का भी सेल हो, उसके भीतर जा कर के ये क्या कर सकता है? रेप्लिकेट हो सकता है, इसका रेप्लिकेशन हो सकता है, रेप्लिकेशन हो सकता है, है ना, विथआउट जैसे कि हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो रेप्लिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट है ना, रेप्लिकेशन इसका, यानी कि बैक्टीरियोफाज का रेप्लिकेशन और प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन कहाँ सर? किसी भी सेल के भीतर उसके खुद के जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके कंट्रोल से अलग है, इंडिपेंडेंटली है, यानी कि उसके भीतर जाकर के क्या कर सकता है? ये कंट्रोल कर सकता है। अब बड़ी बात ये है कि किसी किसी सेल के भीतर ये रेप्लिकेट करेगा तो क्लोनिंग साइट बनाएगा एक, या फिर एक से दो बना लेगा, बस प्लाज्मिड एक से दो बना लेगा। हो सकता है कि बैक्टीरियोफाज है वो भी क्या करेगा सर? एक से दो बना लेगा, लेकिन हमको इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको पर साइकिल कम से कम क्लोनिंग वैक्टर कितना चाहिए सर? 15 से लेकर के 100 चाहिए कम से कम, अगर इतना मिल जाए पर सेल। कहाँ? पर सेल। एक सेल में अगर इतना क्या करता है ये क्लोनिंग वेक्टर कर लेता है, वेक्टर अगर बना लेता है अपने आप को इतना, तब तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि हमको ज़्यादा मात्रा में चाहिए। क्या चाहिए हमको? ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो इतना अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्लोनिंग वेक्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लिए कि बैक्टीरियोफाज है वो एक वायरस है, और जबकि प्लाज्मिड के बारे में बात करें तो ये भी क्या है सर? सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट, हम पहले से जानते हैं। अब ये दोनों को अगर ग्रो करना है तो वो कहाँ करेगा सर? ग्रो करेगा किसी भी सेल में जा करके, लेकिन इंडिपेंडेंटली, यानी कि रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। इसको क्रोमोसोमल डीएनए से कोई मतलब नहीं है, ये अपना खुद का क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अब सुनो, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर के लिए एसेंशियल फीचर क्या क्या होना चाहिए। जो क्लोनिंग वेक्टर बनना चाहता है, यानी कि जो वेक्टर हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए आइडियल यानी कि एक फीचर क्या क्या होना चाहिए, तो उसी फीचर के अबाउट हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है उसमें इसके पास आना चाहिए ORI, ठीक है। ORI साइट अगर प्रेजेंट है तो ये एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर है, पहली बात है, ठीक है। तो हम एसेंशियल फीचर ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ORI साइट है, ठीक है। तो ORI साइट यानी कि हम बोले एसेंशियल फीचर ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से फीचर होना चाहिए जिसके लिए वो आइडियल बन जाएगा, है ना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं एसेंशियल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। तो हम क्या किए, एसेंशियल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात की, चलो ठीक है कर लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर यह है कि इसके पास क्या होना चाहिए, ORI साइट होना चाहिए। दूसरा फीचर इसके पास क्या होना चाहिए, एक बार ध्यान से सुनना। दूसरा फीचर यह है कि उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सेलेक्टेबल, कि कहाँ जा करके क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्टेबल मार्कर चाहिए। ये हो गया दूसरा फीचर। और तीसरे फीचर के बारे में अगर हम बात करें तो जो तीसरा फीचर हमारे पास आना चाहिए वो होना चाहिए क्लोनिंग साइट। तो इसके पास क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट भी होना चाहिए, ठीक है। क्लोनिंग साइट क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, ORI क्या होता है, इन सभी के बारे में हम अभी क्या करते हैं, बात करते हैं, है ना। इसमें कोई ये नहीं है, है ना। ये थोड़ा सा मतलब अगले लेक्चर आते आते तक ये चैप्टर क्या हो जाएगा, अपना फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हम सेलेक्टेबल मार्कर में एग्जाम्पल का बात करते हैं। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटी
बायोटिक रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और दूसरा हो जाएगा लेक जेड जीन, लेक जेड जीन, लेक जेड जीन। तो पहला हो जाएगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और दूसरा हो जाएगा लेक जेड जीन, लेक जेड फॉर लेक जेड जीन, है ना, दूसरा कौन हो जाएगा, लेक जेड जीन हो जाएगा। तो पहले देसी के बारे में बात करते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर के एग्जांपल के बारे में बात कर लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और दूसरा हो जाएगा लेक जेड जीन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, तो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको एक चीज़ बताते हैं, सबसे पहले सुनो ध्यान से, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये क्या है, बैक्टीरिया है, और उसके भीतर में एक प्लाज्मिड है, ठीक है, बस ऐसे ही रफली बता रहे हैं, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बार रफली सुन लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, है ना, और वो इसका क्या है सर, ये जो है वो क्या है, जैसे कि ये उसका प्लाज्मिड है, उसके भीतर में ये रहा उसका प्लाज्मिड। अब क्या है, उस प्लाज्मिड में कुछ खास चीज़ पाया जाता है, है ना, कुछ खास चीज़ क्या होता है, पाया जाता है, ठीक। अब ये कुछ खास चीज़ पाया जा रहा है, इस खास चीज़ के वजह से, इस खास चीज़ के वजह से ये बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट बन जाता है, क्या बन जाता है, रेजिस्टेंट बन जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंट बन जाता है, यानी कि ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, यानी कि इस पर अगर हम मान लो रेजिस्टेंट फॉर एंटीबायोटिक है, ये रेजिस्टेंट फॉर किसके लिए, एंटीबायोटिक का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस एंटीबायोटिक अगर हम इसको देते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, मरता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसके भीतर में कुछ ऐसा पाया जा रहा है, मान लो कि ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के ऊपर कुछ ऐसा पाया जा रहा है जिसके वजह से वो बैक्टीरिया क्या बन चुका है, रेजिस्टेंट बन चुका है, मर नहीं रहा है, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, इस वाले क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और पता करने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है, ये जानने के लिए, सुनो, तो इसको बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद इसके साइट के बारे में पता करेंगे कि आखिर इस पे कौन सा सीक्वेंस है और कौन सा सीक्वेंस आकर के इस पे जब वर्क करेगा तब जाकर के ये कट जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना इको R1 है या फिर और कुछ है, तो ऐसे करके क्या करेंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पे ला करके डाल देंगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब ला करके डालेंगे तो ये क्या हो गया सर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पे क्या कर दिया, डाल दिया, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको क्या कर दिया, काट दिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको क्या कर दिया, काट दिया, और लाइगेज के मदद से इधर एक जीन भी है हमारे पास, ठीक है, एक जीन भी है, इसको भी हम ऐसे करके रखे हुए हैं काट करके इधर से, इसको भी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको काटेंगे सेम उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको भी काट करके लाए हुए हैं। अब जब दोनों को एक मीडियम में क्या करेंगे डालेंगे तो ये क्या करेगा, आ करके इसके साथ जुड़ जाएगा, ये जो जीन है वो क्या होगा, इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। और अब क्या करेंगे, मान लो कि इसको फिर से एक बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर हम इसी को क्या करेंगे, लेकर के ट्रांसफ़र कर देंगे बैक्टीरिया में, इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे बैक्टीरिया में। अब मान लो कि कोई, जैसे कि हमारे पास इक्वालाई है, तो सर इक्वालाई जो है वो रेजिस्टेंट नहीं है, जीन के लिए रेजिस्टेंट, किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसको अगर एंटीबायोटिक में डालो तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार क्या किए, सबसे पहले सिर्फ इसको उठा करके कहाँ डाल दिए, यानी कि इसका रिकॉम्बिनेशन नहीं किए, सिर्फ उठा करके कहाँ डाल दिए, इसको उठा करके इक्वालाई में डाल दिए, जैसे कि पिछला क्लास में किए थे, इसको उठा करके कहाँ डाल दिए थे, इक्वालाई में डाले थे। अब जब हम इसको उठा करके इक्वालाई में डाल रहे थे, ये हो गया लो, अब इक्वालाई क्या बन जा रहा था, रेजिस्टेंट बन जा रहा था, इक्वालाई मर ही नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन अब हम इसके साथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट करके जगह को काटे, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन, ये क्या था, एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट था, अब हम उसको काट दिया और काट करके दूसरा जीन लगा दिया। अब इसको मान लो कि एक नए इक्वलाई में क्या कर दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, नए इक्वलाई में क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं सर, एंटीबायोटिक डाल रहे हैं, एंटीबायोटिक क्या कर रहे हैं, अगर हम डाल रहे हैं तो ये क्या होगा, इक्वलाई का डेथ हो जाएगा, क्योंकि सर ये इंसर्शनल एक्टिवेशन होने के वजह से, सुनो, इंसर्शनल एक्टिवेशन होने की वजह से जब इस चीज़ को हम इसके भीतर में डाले तब ये अपने उस पावर को क्या कर दिया, खो दिया, क्योंकि हमने तो पहले इसको काट दिया ना, अब काट दिया तो ये वर्क करने के लायक नहीं रहा है, कि नहीं है। तो इसी चीज़ को क्या करना है, हम इसको समझना चाहते हैं पूरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बस एक हम अपने तरफ से बताए हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, वो डिटेल में।
थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात अभी करेंगे। चलो अब हमारे पास क्या है सर, एक ऐसा जैसे कि अभी एक वेक्टर के बारे में बात करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, ठीक है। चलो जो एनसीईआरटी में फिगर दे करके रखा है और वो अक्सर समझ में नहीं आता है, तो उसी फिगर को हम क्या करते हैं, एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से आप एक बार बस खाली इस फिगर को देखिएगा और इस फिगर को देखते जाएंगे और एक एक करके हम क्या करेंगे, निर्णय लेते जाएंगे। सर सुनो ध्यान से, हाँ हम एक वेक्टर बना रहे हैं, एक क्लोनिंग वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो एक क्लोनिंग वेक्टर बना रहे हैं तो एक काम करें, हाँ जगह काफ़ी, ठीक है, ये ध्यान सुनो। चलो तो एक ये क्लोनिंग वेक्टर है, बनाना हम चाह रहे हैं, ठीक है। चलो बना लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर, ये बन गया, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर। अब एक एक करके हम यहाँ पे चीज़ों को डालते जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर है इसका नाम है पी बी आर 322। शुरुआत यहीं से करते हैं, इस पी का क्या मतलब है, इस बी का क्या मतलब है, इस आर का क्या मतलब है और ये 322 का क्या मतलब है। तो चलो शुरू करते हैं सर। पी का मतलब है प्लाज्मिड, पी का मतलब है प्लाज्मिड, ठीक है। उसके बाद में बी और आर दो साइंटिस्ट का नाम है, बी और आर क्या है, दो साइंटिस्ट का नाम है। एक साइंटिस्ट का नाम बी से शुरू होता है और एक साइंटिस्ट का नाम आर से, तो दोनों साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। एक साइंटिस्ट ये है जिसका नाम है बोलेवर और दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है रोड्रिगज, आर रोड रिक्वेज, ये साइंटिस्ट का नाम है, पहली बात तो ये, ठीक है। हमने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन साइट बनाया, मतलब एक क्लोनिंग वेक्टर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इस क्लोनिंग वेक्टर को जैसे ही बनाया उसके बीच में लिखा हुआ है पी वी आर 322। हम सोचिए पी वी आर 322 का क्या मतलब है, तो पी का मतलब प्लाज्मिड है, बी का मतलब साइंटिस्ट का नाम, आर का मतलब साइंटिस्ट का नाम, एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए। और 322 का मतलब है नंबर ऑफ प्लाज्मिड, 322 का क्या मतलब है, 322 का मतलब है नंबर ऑफ प्लाज्मिड, यहाँ तक पहले समझिए, ठीक है। अब ये जो क्लोनिंग वेक्टर है वो दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है, ये जो क्लोनिंग वेक्टर है वो क्या है, दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है। एक इधर आओ देखो, है ना, ये जो है वो क्या है सर, दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है और एक एंटीबायोटिक का नाम है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं TET, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। मतलब ये हुआ कि टेट्रासाइक्लिन अगर एंटीबायोटिक आप डालते हैं तो ये जिसमें है उसको नहीं मरने देगा, ये जिसके भीतर है उसको ये मरने नहीं देगा। हम उसी के बारे में अभी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो एक हो गया TET, तो एक तो ये हो गया रेजिस्टेंट। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछेगा कि पी वी आर 322 किसके लिए रेजिस्टेंट है, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट है, पहली बात ये। दूसरी बात अगर हम करें तो ये एक और जीन के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। ये क्या है, एक और जीन के लिए रेजिस्टेंट है, जीन बोल रहे सॉरी, एक और एंटीबायोटिक के लिए क्या है, ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। एक और एंटीबायोटिक के लिए ये रेजिस्टेंट है और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, ये भी तो सुन लो, उस एंटीबायोटिक का नाम है एम्पिसिलिन, AMP रेजिस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता चला कि ये जो PBR 322 है, ये PBR 322 टेट्रासाइक्लिन के लिए और एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, यानी कि दो एंटीबायोटिक, एक का नाम है टेट्रासाइक्लिन और एक का नाम है एम्पिसिलिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन ये दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। अब हम आपको बताते हैं कि जिस बैक्टीरिया के भीतर में ये क्लोनिंग वेक्टर होगा, उस इसको उठा करके आप उस बैक्टीरिया में डाल दो और उस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों तरह के एंटीबायोटिक दोगे, फिर भी क्या होगा, ये बैक्टीरिया नहीं मरेगा। इसका मतलब यही हुआ कि जिसके भीतर में TET यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है। हमारे समझ का तो यही है और आपको भी समझ में आ गया होगा, है ना।
कि ये जिसके भीतर में होगा, जिस बैक्टीरिया के भीतर में होगा, उस बैक्टीरिया को आप किसी भी मीडियम में डाल दो, चाहे टेट्रासाइक्लिन वाला मीडियम में डाल दो और चाहे एम्पिसिलिन वाला मीडियम में डाल दो, यानी कि एंटीबायोटिक है ये दोनों, तो ये क्या होगा, नहीं मरेगा। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे एक और साइट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोप बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रोप बोलते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चलो ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रोप बोल रहे हैं। ये भी एक साइट है, बस अभी ध्यान रखना है कि ये क्या है, साइट है जिसको हम आर ओ पी बोल रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रोप, आर ओ पी रोप, एक सेकेंड, आर ओ पी रोप, ठीक। तो एक ये हो गया, ये साइट पहले ये देख लो, ठीक है। उसके अलावा उसके जस्ट बगल में एक और है ना, उसके जस्ट बगल में, जैसे कि यहाँ पे ये है ऐसे करके, ठीक है। और उसके जस्ट बगल में एक और है जिसको हम ओ आर आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओ आर आई, इसको हम बोल रहे हैं क्या, ओ आर आई, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या दिखा, पी बी आर 322, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, यानी कि ये जो प्लाज्मिड हम बना रहे हैं, ये जो वेक्टर बना, क्लोनिंग वेक्टर बना रहे हैं, ये किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के लिए रेजिस्टेंट है। इसमें एक साइड जिसका नाम रोप है और एक और है जिसको हम ओ आर आई बोल रहे हैं, ठीक है, ओ आर आई बोल रहे हैं। यहाँ तक में कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी है, लेकिन अब उसका हम नाम नहीं जानते हैं, ठीक है। यहाँ ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और ये भी हो गया, चलो ठीक है। यहां तक ये बन करके अब तैयार हुआ। अब सुनो, सबसे पहली बात ये है कि हम यहां पे बात करते हैं आपको सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में, कि कुल मिलाकर के कितना सेलेक्टेबल मार्कर है। तो ये जो सेलेक्टेबल मार्कर हुआ, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो इस क्लोनिंग वेक्टर में जो सेलेक्टेबल मार्कर है वो दो है, और एक का नाम है टी रेजिस्टेंट, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, जबकि दूसरा का अगर बात करें तो उसका नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। तो एक कौन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, और एक का नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है और साथ में कौन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, यानी कि दो सिलेक्टेबल मार्कर इसके भीतर में है, यानी कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कुल मिलाकर के इसमें आठ, कितना, आठ, कुल मिलाकर के 8 रिस्ट्रिक्शन साइट मौजूद होगा। कितना रिस्ट्रिक्शन साइट होगा, इस पे 8 रिस्ट्रिक्शन साइट होगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट बताइए, है ना, यहाँ पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, कितना है इसमें, 8 है कुल मिलाकर के, ये ध्यान रखना है। अब कहाँ 8 है वो हम अभी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेट्रासाइक्लिन के ऊपर कौन कौन है। तो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक ये नाम रहा और एक ये रहा, जिसको एक को बोलते हैं BAM, बाम H1, कौन है, बाम H1 है। आपको भी ऐसे याद रखना है जैसे हम लिख रहे हैं, बाम H1, देखो एक एक करके याद रखोगे ये आराम से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले 8 टोटल नेम याद रखना है कि नहीं है। तो 8 नेम किस तरह से याद होगा, सुनो, जैसे टेट्रासाइक्लिन के ऊपर एक है नाम जिसका नाम है बाम H1, और दूसरा जिसका नाम है साल, क्या नाम है, साल 1। तो बाम H1 है, देखो 1, ये पक्का से ध्यान रखना है, कई बार इसको बदल देता है। तो बाम H1 है और ये भी साल 1 है, बाम H1 है और साल 1 है। उसके बाद में एम्पिसिलिन के ऊपर कितना है, एम्पिसिलिन के ऊपर भी 2 है, एम्पिसिलिन के ऊपर भी कितना है, 2 है। एक का नाम है पी वी यू फर्स्ट,
क्या है, पी वी यू फर्स्ट है और एक है पेस्ट फर्स्ट, यानी कि पी एस टी, पी एस टी, तो पी एस टी फर्स्ट है, ठीक, पी एस टी फर्स्ट। तो कुल मिलाकर के हमको कितना मिल गया, चार मिल गया, ठीक है, चार मिल गया, चार मिल गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सर सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, एक सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन है, तो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर जो सेलेक्टेबल मार्कर है कौन है, सेलेक्टेबल मार्कर बोल रहे हैं सॉरी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगर बात करें तो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर दो, एक को हम क्या बोल रहे हैं, बैम एच वन बोल रहे हैं, ठीक है, और दूसरा को क्या बोल रहे हैं, साल वन बोल रहे हैं, बैम एच वन एंड साल। उसी तरह से अगर एम्पिसिलिन के ऊपर बात करें रिस्ट्रिक्शन साइट का, ये कौन है, रिस्ट्रिक्शन साइट है ना, कौन है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें एम्पिसिलिन के ऊपर, तो एम्पिसिलिन के ऊपर पी वी यू है, पी वी यू फर्स्ट है ना, और कौन है, पी एस टी, पेस्ट फर्स्ट है। हर बढ़ाना नहीं है, देखो हम बोल रहे हैं ना कि यहीं पे याद करके जाओ, एक बार देखो पढ़ करके कितना खूबसूरत लगेगा आपको, एकदम आसान लगेगा अगर एक एक चीज़ को एक साथ में पढ़ोगे तो, ठीक है, एक एक करके चीज़ों को पढ़ते जाओ, बहुत आसान लगेगी चीज़ें, बहुत आसान होती है कि नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब हम इससे आगे थोड़ा सा अगर बात करें है कि नहीं, तो अब कहाँ है, तो चार तो मिल गया सर जो कि आउटसाइड में है, ये चारों कहाँ का है, ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये भी ध्यान रखना है कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो आउटसाइड है, यानी कि एट में से टोटल जो चार रिस्ट्रिक्शन साइट है, चार रिस्ट्रिक्शन साइट वो कहाँ है सर, फोर रिस्ट्रिक्शन साइट, फोर रिस्ट्रिक्शन साइट फोर जो है वो आउटसाइड है, कहाँ है, आउटसाइड, ये भी कई बार पूछ लेता है, तो फोर आउटसाइड है, और आउटसाइड में कौन कौन है वो आपको हम बता दिए। अब हम बात करते हैं कहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ सुनो ध्यान से, अब ये है, अब इस पोजीशन पर कौन कौन प्रेजेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास चार बचा हुआ है, तीन तो हम चार दो बता दिए, और चार कहाँ कहाँ है, ये एम्पिसिलिन पे है, टेट्रासाइक्लिन पे है, दो इस पे, दो इस पे। अब हम बात करते हैं एक रोप पे होता है, किससे होता है, रोप पर, और जो रोप पर है वो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, देखो यहाँ पर भी पी वी यू ही है, लेकिन यहाँ पी वी यू सेकेंड है, कौन है, पी वी यू सेकेंड, तो ध्यान रखना है रोप पर सेकेंड है, रोप पर कौन है, सेकेंड है, पी वी यू सेकेंड है बस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे है तीन और, यहाँ पे है तीन और, तो सबसे पहले एक यहाँ पे आ जाओ जिसका नाम है ई को आर वन फर्स्ट, ई को आर वन फर्स्ट, ठीक है, ये है इको आर वन फर्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, जिसको हम बोलते हैं हिंद थर्ड, क्या बोलते हैं, एच आई एन डी, हिंद थर्ड, ध्यान रखना हिंद सेकेंड नहीं है, देखो ध्यान से, ये हिंद सेकेंड नहीं है, है ना, हिंद सेकेंड नहीं है, हिंद थर्ड है, कौन है, हिंद थर्ड है, है ना। और एक अब बच गया जिसका नाम है सी एल ए, क्या नाम है उसका, सी एल ए, ठीक है, सी एल ए फर्स्ट, ये कौन है, सी एल ए फर्स्ट है, एक सेकेंड लाइन कट गया, एक सेकेंड, हाँ अब थोड़ा सा ज़्यादा लाइट लग सकता है क्योंकि लाइट कट गया तो गेट खोल दिया ना इसके वजह से, बस और कुछ नहीं है, एक बार ध्यान से देखेंगे, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, समझ में आ गया कि ये जो है एक सेलेक्टेबल मार्कर है, क्या है, एक सेलेक्टेबल मार्कर है, मतलब एक क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, ये जो है हम पढ़ क्या रहे हैं पहले ये तो जान लो, हम पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। अब ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, आइडियल क्लोनिंग वेक्टर बोले थे ना कि एक क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, तो जो जो एक वेक्टर को होने के लिए ज़रूरी है वो सब है इसके पास, जिसका नाम है पी वी आर 322, नाम क्या है, पी वी आर 322, पी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या, आर का मतलब क्या, और 322 का मतलब क्या, वहाँ से लेकर के कहाँ पे कौन, कहाँ पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है, वो सब हम आपको क्या कर दिए, विगतवार बता दिए, विगतवार, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक बार इसको क्या करो, पॉज करो, रोको और एनसीईआरटी को उठा करके देखो, और कैसे देखना है वो सुनो, देखना कैसे है वो सुनो, सबसे पहले शुरू कहाँ से करना है कि ये पी वी आर 322 को देखना है, उसके बाद देखना है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना, मतलब किसके लिए रेजिस्टेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर, वो है
एम्पिसिलिन और कौन है टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों के लिए रेजिस्टेंट है ये देखना है, यहाँ शुरू करना है। उसके बाद आना है कि रोप कहाँ है, ओ आर आई कहाँ है, बस इतना, ठीक है, चार चीज़ यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको देखना है कि कहाँ पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है। तो आप देख पाएंगे कि टेट्रासाइक्लिन पे दो रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, एक का नाम है बाम एच वन और एक का नाम है साल वन, ठीक है। दूसरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दूसरा आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट पे देखने को मिलेगा, और वहाँ पर भी कितना देखने को मिलेगा, दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम देखने को मिलेगा, और एक का नाम होगा कहाँ चला गया, हाँ एक का नाम होगा पेस्ट फर्स्ट और एक का नाम होगा पीवीयू फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, रोप पर भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है पीवीयू फर्स्ट सेकेंड, और इसके बाद इस वाले जगह पे तीन है, इको आर वन, क्ले फर्स्ट और हिंद थर्ड। तो ऐसे करके आप क्या करो, एक बार ऑब्जर्व करो पूरे फोटो को, और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है वो भी पढ़ो, है ना, वो भी क्या करो, पढ़ो एक बार साथ में, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, इसका मतलब प्लाज्मिड, इन दोनों का मतलब साइंटिस्ट का नाम, इसका मतलब नंबर, इसका मतलब प्लाज्मिड नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ लिए। अब एक काम करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि सेलेक्टेबल मार्कर के लिए, ठीक है। अब एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं जस्ट, है ना, चलिए हो गया, देख लिए, अब आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे इसके बारे में, सेलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट को और ट्रांसफॉर्मेंट को, नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करते हैं वो देखिए, वो भी बहुत आसान है। जिस तरह से हम यहाँ तक पढ़े हैं इसके आगे भी वैसे ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको सभी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। चलो देखो, अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, यहाँ के बारे में हम बात करें। सुनो, अब हम दो चीज़ के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि मतलब आखिर कौन है जो रिकॉम्बिनेंट है और कौन है जो ट्रांसफॉर्मेंट है, हम बनाएंगे, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। चलो एक काम करते हैं सर, हम एक काम करते हैं ना, पी बी आर 322 को ले लेते हैं, है ना, किसको ले लेते हैं, पी बी आर 322 को ले लेते हैं। अब पी वी आर 322 में एक यहाँ पे साइट प्रेजेंट है, है ना, एक साइट प्रेजेंट है सेलेक्टेबल मार्कर, अब सिर्फ इसी को ले रहे हैं, ठीक है, एक सेलेक्टेबल मार्कर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर, ये पी वी आर 322 है जिसमें हम बात कर रहे हैं सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में, तो ये है सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर, ठीक है। और सेलेक्टेबल मार्कर में दो बात है, कौन कौन सा सेलेक्टेबल मार्कर है, पहले भी बात की थी एग्जांपल के तौर पे, आपको याद होगा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, बायोटिक रेजिस्टेंट जीन, रेजिस्टेंट जीन, और साथ में कौन, लेक जेड जीन, लेक जेड जीन, ये दो हो जाएगा, ठीक। अब सुनो क्या करते हैं, तो ये हो गया सर सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब ये, अब सुनो ध्यान से, ये जो है पी बी आर प्लाज्मिड, इसमें खास बात ये है कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो कौन है सर, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, ठीक है, कौन प्रेजेंट है,
टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। हम बोले चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं और उठा करके लाते हैं इधर, ठीक, एक ऐसे करके एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में इसको क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है, इसको उठा करके क्या करेंगे, इस बीकर में हम डाल देंगे। चलो इस बीकर में हम डालने वाले हैं, जब हम इस बीकर में डालेंगे तो क्या करें, रुको, डालने से पहले एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से, इस पर हम क्या करते हैं, एक बाम एच वन, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, बाम था ना, बी ए एम, बाम एच वन था, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब है काटना, तो बाम एच वन से इसको काट देंगे, और साथ में हम एक काम करते हैं, एक और डी एन ए को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डी एन ए के पीस को भी ले लेते हैं, सुनो ध्यान से, तो एक काम करो, इस पे बाम वॉच का इंट्रोडक्शन करवा दो, ठीक है, तो साथ में कौन हो गया, प्लाज्मिड प्लस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, साथ में क्या करेंगे, लाइगेज ले लेंगे, लाइगेज लेंगे, और साथ के साथ क्या ले लेंगे हम, डीएनए ले लेंगे, क्या ले लेंगे, डीएनए लेंगे, फिर से सुनो, क्या करिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिए, लाइगेज ले लिए, और डीएनए का एक छोटा सा पीस ले लिए, एक टुकड़ा ले लिए, ठीक है, एक टुकड़ा ले लिए, और ये कौन है, प्लाज्मिड है, ठीक, तो इस पे कौन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने का काम करेगा, लाइगेज जोड़ने का काम करेगा, और डीएनए क्या करेगा सर, डीएनए जो है वो क्या करेगा, इसके बीच में इंसर्ट होने का काम करेगा, सब अपना अपना काम करेगा। अभी तीनों को उठा करके इसके भीतर रख दिए, जब हम इसके भीतर रखेंगे तो हम पाएंगे ऐसा कि ये जो एंटी, मतलब कि क्या नाम है इसका, जो टेट्रासाइक्लिन था उसको बीच से काट दिया गया है, क्योंकि ये काटने का काम करेगा, इसको काट देगा, अब उसको कटते ही ये जो डीएनए का टुकड़ा है इसके बीच में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, घुस जाएगा इसके बीच में, ठीक है, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन के लिए हम क्या बोले थे सर, TET टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट था, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके ऊपर डाला, इसने क्या कर दिया, उसको काट दिया, क्या कर दिया, उसको काट दिया। अब काटने के वजह से, अब आप खुद सोचो ना, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट तो था, जीन प्रेजेंट था, रेजिस्टेंट था, लेकिन हम इसको बीचों बीच क्या कर दिए, काट दिए। अब जब काट दिए तो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब बर्बाद हो गया तो क्या ये जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल रह जाएगा, मतलब क्या बोल, जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल बोल रहे, सॉरी, हम बोल सकते हैं कि अब ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं रह जाएगा। पहला कारण तो ये हुआ कि इसका कटाई हो गया, इसको काट दिया गया, और दूसरा कारण ये, दूसरा भी ये हुआ कि ये आपस में जुड़ सकता था लाइगेज की मदद से, लेकिन जब तक जुड़े उससे पहले कोई अनदर डीएनए या फिर जीन का टुकड़ा क्या होगा, उसके बीच में घुस गया, तो अब ये दोनों जुड़ भी नहीं पाएगा। अब ये दोनों क्या होगा सर, जुड़ भी नहीं पाएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया सर, इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। इसका कारण आप भी समझा सकते हैं हमको, है कि नहीं, कि क्यों इनएक्टिव हो गया, अब हम आपको बता दिए। और इनएक्टिव होने के बाद में ये जो बना है उसको क्या हम रिकॉम्बिनेंट बोल दें, तो हम बोल सकते हैं सर रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बोल देंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब तो एक बात हम यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाहेंगे ना, आप ध्यान देना फिर से, क्या बोले कि जब ये इसके भीतर गया, ये हो गया तो इनएक्टिव, रिकॉम्बिनेंट बन गया, तो हम बोलेंगे कि इफ इंसर्शन ऑफ डीएनए इन सेलेक्टेबल देखो इफ इंसर्शन ऑफ डीएनए इन सेलेक्टेबल मार्कर या फिर इसी को हम प्लाज्मिड बोल देते हैं, प्लाज्मिड, अगर डीएनए इंसर्शन हुआ है किसका, सेलेक्टेबल मार्कर में डीएनए का अगर इंसर्शन हुआ है तो उससे क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक जीन, क्या हो जाएगा, देखो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया कि नहीं हो गया, तो हम यही बात तो लिख रहे हैं कि इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक जीन, ठीक है, एंटीबायोटिक जीन का क्या हो गया सर, इनएक्टिवेशन हो गया। बोले यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुनो, जैसे कि हम सेलेक्टेबल मार्कर को क्या करें, सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लिए कि किस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं, और आपको भी क्या हुआ, समझ में आ गया
कि एक प्लाज्मिड को लिए जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट था, अब उसको और साथ में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइगेज और डीएनए को डाल दिए। अब क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको काट दिया, लाइगेज इसको जोड़ने का कोशिश किया, अब जब तक जोड़ा उससे पहले ये जीन का टुकड़ा क्या हुआ, इसमें घुस गया, जिसके वजह से क्या हो गया सर, रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन हो गया। और इस रिकॉम्बिनेंट के बनते ही ये जो टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या था सर, डिजीज रेजिस्टेंट था, यानी कि टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट था, उसका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इंसर्शन ऑफ डीएनए इन सेलेक्टेबल मार्कर या फिर प्लाज्मिड इन एक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक जीन, जो एंटीबायोटिक जीन था वो क्या हो गया यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक में आपको क्या हुआ, समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इससे आगे थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं, बस लास्ट चीज़ जिसको बोलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या बोलेंगे अभी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बारे में थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है। चलो तो अभी हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि इसी एक्सपेरिमेंट को एक छोटा सा मानो तो हम एनसीईआरटी यहीं पे क्या होता है समाप्त हो गया, मतलब एनसीईआरटी पूरा चैप्टर नहीं, इसके बारे में जो भी दिया वो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सके, क्योंकि कई बार क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है, भले एनसीईआरटी में है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको पढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि बंद करके भाग जाएंगे, तब तो ख़त्म हो गया नहीं, ऐसा नहीं है ना, पढ़ना है। तो सुनो ध्यान से, अब हम बात करें एंटीबायोटिक जीन, यानी कि अब सेलेक्टेबल मार्कर किसको ले रहे हैं, एंटीबायोटिक जीन को ले रहे हैं। देखो जैसे हम बात करें किसके बारे में, पूरा हमको जगह चाहिए, इसे चैप्टर का नाम भी फिनिश खत्म। अब सुनो हम बात करें किसके बारे में, एंटीबायोटिक जीन, एंटीबायोटिक जीन के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक सेकेंड है ना। ओ भाई तो बहुत ज़्यादा लाइट है, अब सही है ना। चल एंटीबायोटिक जीन के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट जीन, ठीक, जीन यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर। सुनो ध्यान से, हम एक काम करते हैं सर, इसमें कुछ प्लाज्मिड को ले, ये एक ना बीकर है हमारे पास जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ प्लाज्मिड को रखेंगे, क्या करेंगे, कुछ प्लाज्मिड को रखेंगे, एक ये प्लाज्मिड हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। अब सुनो ध्यान से, प्लाज्मिड जो है उसके पास क्या है, अब पहली बात तो ये है कि सर इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है और साथ के साथ में क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट है। ध्यान से सुनो, क्या है इसके पास, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, फिर से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, फिर से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट। तो ये हो गया टेट्रा, इसके पास क्या है सर, दोनों रेजिस्टेंट, यानी कि आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे फिर भी इसको कुछ नहीं होगा, और आप इसमें क्या डालोगे, एंटीबायोटिक में एम्पीसिलिन डालोगे फिर भी इसको कुछ नहीं होगा। हम सोचे अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ नहीं होगा। अब हम एक काम करते हैं सर, बाम एच वन ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जगह पर क्या ले लेते हैं, बाम एच वन लेते हैं, ठीक है। अब बाम एच वन का खास बात यह है कि सर ये कहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट इसका बताओ, तो ये था टेट्रासाइक्लिन के ऊपर, यहाँ पर बनाए थे फोटो तो यहाँ पे था ना, यहाँ पे, यानी कि ये टेट्रासाइक्लिन के ऊपर है, कहाँ है, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर है, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन के ऊपर है, ये हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लिए बाम एच वन, और साथ के साथ में एक डीएनए भी ले लेंगे, क्या करेंगे, एक डीएनए भी ले लेंगे और एक चीज़ और रख देंगे जिसका नाम लाइगेज, आप जानते ही हैं है कि नहीं, लाइगेज, लाइगेज क्या नाम है, लाइगेज, ठीक। अब सुनो ध्यान से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने का काम करेगा, डीएनए जोड़ने का मतलब उसमें इंसर्ट होगा, और लाइगेज क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो चलो ये सब रख दिए, अब क्या होगा वो सुनो, सीन क्या है, तो सर सीन ये है, सीन ये है कि एक और बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में अब हमको ये चीज़ दिखाई दे रहा है, हुआ यूं कि इसमें से ये ऐसा हुआ और एक बार और ऐसा हुआ, यानी कि दो प्लाज्मिड को लेकर क्या, अब दो प्लाज्मिड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सुनो ध्यान से, हुआ क्या है, इसमें से क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाम एच वन के लिए है, तो बाम एच वन को, बाम एच वन किसको काट देगा सर, टेट्रासाइक्लिन को काट देगा, देखो टेट्रासाइक्लिन को काटेगा और डीएनए उसके बीच में क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा, पर इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसका नाम क्या है,
एम्पीसिलिन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलो एम्पीसिलिन को ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, एम्पीसिलिन के ऐसे ही बना देते हैं, एम्पीसिलिन के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यहाँ पे हुआ ये कि जो उल्टा बना दिया, एक सेकेंड, जो भर्ती हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये है टेट्रासाइक्लिन और ये है टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद में ये है एम्पीसिलिन और ये है एम्पीसिलिन, ठीक है सर। अब क्या हुआ है कि सर एम्पीसिलिन कटेगा, इसका भी, ये भी कटेगा और एम्पीसिलिन, सॉरी टेट्रासाइक्लिन ये भी कटेगा और टेट्रासाइक्लिन ये भी कटेगा, दोनों टेट्रासाइक्लिन कट गया, यहाँ भी कटेगा यहाँ भी कटेगा, बीच में डीएनए रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि इसमें डीएनए क्या हो गया सर, घुस गया यहाँ पे, क्या हुआ डीएनए बीच में आकर के क्या हुआ यहाँ पे घुस गया, लेकिन जैसे इसमें घुसने का कोशिश किया लाइगेज, उससे पहले ही इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, लाइगेज उससे पहले क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर यहाँ जो हुआ है ना, ये टेट्रासाइक्लिन था, कौन था, टी ई टी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था और ये भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, लेकिन यहाँ हो गया रिकॉम्बिनेशन, क्या हो गया रिकॉम्बिनेशन, और अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि रिकॉम्बिनेशन होने से क्या हो जाएगा सर, टेट्रासाइक्लिन यानी कि जो एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था वो ख़त्म हो जाएगा, रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हम बोले देखो ठीक है कोई बात नहीं है, तो रिकॉम्बिनेंट ये बन गया, यानी कि रिकॉम्बिनेंट बनते ही क्या हो गया सर, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया। हम छोटा सा बात यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ये हो गया इनएक्टिव, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे खास बात क्या है सर, यहाँ पे हुआ ये कि रिकॉम्बिनेशन के जगह पर क्या हो गया, रिलाइगेशन हो गया, क्या हो गया, रिलाइगेशन। रिलाइगेशन का मतलब होता है कि फिर से इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि सर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, क्या है बोलो, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ध्यान से सुनो, ये क्या हुआ, रिलाइगेशन हुआ, जिसकी वजह से कुछ नहीं बना, इसलिए हम नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल दिए, रिकॉम्बिनेंट बन गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब सुनो ध्यान से, अब इसको क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पे सर, कुछ इक्वालाई का ढेर है हमारे पास, है कि नहीं, एक बीकर ले लिए, उसमें खाना पीना खूब रख दिए हैं, है ना, खाना पीना भी उसको खूब खिला रहे हैं, अब बोले कि चलो अब प्लाज्मेट को भेज दिए, तो प्लाज्मेट को क्या करिए, भेज दिए। अब प्लाज्मेट जैसे उसके भीतर में क्या, जैसे कि ये मान लो इक्वालाई एक है और ये भी इक्वालाई है, ये भी इक्वालाई, ये भी इक्वालाई, अब इक्वालाई को भीतर क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और ये जो ढेर है वो किसका है सर, इक्वालाई का, ठीक है, ये क्या, इक्वालाई का ढेर, इसमें इसको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब कुछ सीन हमारे पास ऐसा होगा, अब कुछ सीन हमारे पास कैसा होगा, इस तरह का होगा। सुनो सबसे पहले ये यहाँ पे हम बात करते हैं छोटा सा, देखो यहाँ पे ये वही बीकर है अभी भी, ठीक है, बीकर अभी भी क्या है, वही है, लेकिन इसमें कुल मिलाकर के हम मान लो कि तीन ही ड्रॉ करते हैं, मतलब कुल मिलाकर के तीन टाइप हो सकता है, वही टाइप ड्रॉ कर रहे हैं, नंबर तो बहुत होगा पर हम टाइप ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो कि एक इक्वाला ये है, एक इक्वाला ये है और एक और इक्वाला ये, इक्वाला इसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको सेकेंड बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, थर्ड बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला जो है उसको हम बोल रहे हैं कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि इसके भीतर रखे तो थे लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ, हो भी सकता है, क्यों, इतना सारा जाएगा, हो सकता है किसी में ना भी जाए, बहुत सारा ग्रुप है उसमें से कुछ के भीतर ना भी जाए, तो जिसके भीतर ना जाए उसमें एक ये भी है जिसके भीतर नहीं गया, तो हम इसको बोल दिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्या बोल दिए, इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का नाम दे दिए, तो ये हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्या हो गया बोलो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। अब आगे हम सोचते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ये हो गया, अब इसके भीतर में और इसके भीतर में, ठीक है, इसके और इसके भीतर में और इसके भीतर में क्या हुआ है, इसमें से कुछ ना कुछ तो गया है, पर हमको क्या, कैसे पता चलेगा कि सर कुछ ना कुछ गया है, तो हम एक काम करते हैं सर, एक रेप्लिका प्लेट लेते हैं जिसको मास्टर प्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि एक रेप्लिका प्लेट लेते हैं, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर प्लेट बोलते हैं। सुनो ध्यान से, एक काम करते हैं, रुको, इसके बाद फिर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आए, यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन तक समझ में आए कि ट्रांसफ़र कर दिए। अब ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होता है, जो कि ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है उसका क्या होता है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसे करके कुछ हुआ है, पर मतलब ये, मतलब इसी के बारे में, यहाँ पे ये प्रोसेस चला तो कुछ ऐसा बनेगा ना, अब उसी के बारे में हमको क्या करना है, बात करना है, थोड़ा सा सुनो,
इसको हटाते हैं थोड़ा सा, है ना, हटा लीजिए, चलो हटा। अब देखो होगा क्या, जैसे कि हम एक काम करते हैं, अब एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक। अब ये जो ये बना है, यानी कि ये अब जो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसके भीतर में, ठीक है ना, इसके भीतर में जिसको हम एक बोल रहे थे, दो बोल रहे थे और यहाँ पे तीन बोल रहे थे, ठीक है, एक दो तीन बोल रहे थे। एक काम करते हैं, जो कलर था वही यूज़ कर लेते हैं, ये कलर था, एक दो तीन, ठीक है, इस तरह से तीन हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं। अब इस प्लेट पे हम क्या करते हैं, इस प्लेट पे कोई भी एंटीबायोटिक नहीं डालते हैं, ठीक है, इसको हम मास्टर प्लेट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मास्टर प्लेट बोल रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मास्टर प्लेट। तो मास्टर प्लेट को हम विथाउट एनसीईआरटी रखेंगे, विथाउट एंटीबायोटिक, इसको क्या रखेंगे सर, बिना एंटीबायोटिक रख देंगे। तो ये मास्टर प्लेट है, इसको हम क्या बोलेंगे, विथाउट एंटीबायोटिक रख देते हैं। ये मास्टर प्लेट को जब हम विथाउट एंटीबायोटिक रखते हैं ना, तब क्या होता है, सुनो ध्यान से, अब हम इसको लेकर के क्या करते हैं, इस पे ला करके रख देते हैं। अब इस पर ला करके रखेंगे तो क्या होगा सर, ये पहला कॉलोनी है, ठीक है, ये दूसरा कॉलोनी है, और ये क्या है, तीसरा कॉलोनी है, 1 2 3 इस तरह का कॉलोनी है, ये कॉलोनी है, ठीक। अब क्योंकि ये इक्वल आई है, भूलना नहीं है ना, इक्वल आई, तो सर इक्वल आई अगर नेचुरली है तो उसके पास क्या होता है, कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता, यानी कि जैसे ही वो एंटीबायोटिक के संपर्क में जाएगा वैसे ही मर जाएगा। अब इसमें कौन कौन है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम मास्टर प्लेट पे जब कोई एंटीबायोटिक नहीं रखे तो हमको पता चला कि ये भी फर्स्ट, जिसको हम मान लो कि फर्स्ट बोल रही है, सेकेंड बोल रही है, थर्ड बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसको, एकदम मस्ती से ये तीन हो, ये भी तीनों टाइप बनेगा ना, तीन टाइप, और तीनों टाइप क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये कौन सा तीन टाइप, अभी हम बता रहे हैं, अभी देखो कुल मिलाकर के ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब हम क्या किए, इस मास्टर प्लेट को एक अनदर प्लेट पे क्या करेंगे, चिपका देंगे, मतलब रखेंगे, सुनो ऐसे करके, जैसे ये मास्टर प्लेट है ना, ऐसे करके ये मास्टर प्लेट ऐसे रखा हुआ है और एक प्लेट ऐसे रखा हुआ है, तो इसको उठाएंगे और इस करके इस पे रख देंगे, ठीक है, ऐसे करके रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो बैक्टीरिया क्या होगा, कुछ इस पे चला जाएगा, फिर डालेंगे, क्योंकि खाना पीना यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी ग्रो कर सकता है, इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक प्लेट बनाएंगे और एक प्लेट यहाँ, ठीक है, एक प्लेट यहाँ पे बनाएंगे और एक प्लेट यहाँ पे बनाएंगे। अब इसमें जो है, इसमें इस पे हम रख देते हैं, मान लो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, क्या रख देते हैं, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रखते हैं, ठीक है। अब एम्पिसिलिन जैसे ही एंटीबायोटिक रखे, हम इसको उठाए और उठा करके यहाँ पे रख दिए, तो सर ये तो गया, है ना, मान लो कि यहाँ पे ग्रो खत्म, यहाँ कुछ ग्रो ही नहीं हुआ, ठीक है, और ये अभी भी ग्रो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और ये अभी भी ग्रो हो रहा है, ये अभी भी ग्रो हो रहा है, ये भी ग्रो हो रहा है, ये भी ग्रो हो रहा है, यानी कि फर्स्ट नंबर तो गया, फर्स्ट नंबर का काम खत्म, सेकेंड नंबर ये रहा और थर्ड नंबर मान लो ये रहा। तो इसका मतलब, इससे यहाँ पे हमारे पास ये निष्कर्ष निकला कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, जो फर्स्ट वाला जहाँ पे आया, जैसे उठा करके रखे हुए एक दो और तीन, देखो नाम से डिनोट किए हुए, इसका नाम दो है, इसका नाम तीन है ना, वन यहाँ मान लेते हैं, टू है, यहाँ थ्री है, ठीक। तो इसको प्लेट को उठा करके क्या किए, इस पे रखे, उठा करके इस पे रखे, तो हमको पता चला कि ये वाला गया, इसका मतलब ये है कि इसके पास अभी भी कोई भी रेजिस्टेंसी नहीं आया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि सर ये जो है वो कौन है, ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि इसके भीतर कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि इसके भीतर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये तो गया, यानी कि पहला नंबर जो हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, पहला नंबर इसको यहाँ पे ग्रो किया लेकिन वहाँ पे ग्रो नहीं किया, इसका मतलब एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि ये कौन है सर, ये जो है वो कौन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब कि कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर ट्रांसफर होता तो क्या होता, वो रेजिस्टेंसी को गेन कर लेता, लेकिन नहीं हुआ। और सिर्फ एक ही के साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ भी, अगर इस पे ला करके भी ऐसे क्या करिए चिपकाए, तो क्या हुआ, तो पहला वाला तो गया, यानी कि पहला वाला तो गया। तो अब हमको पूरे तरह से कॉन्फिडेंस में आ गए कि जो पहला था वो क्या था सर, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, कोई भी चीज़ ट्रांसफर इसके भीतर में
नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब हम देखें, जब इसको उठा करके इस पे रखे तो इस पे दो ग्रो कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस पे उठा करके रखे है ना, अच्छा इस पे एम्पीसिलिन लिए हैं तो इस पे टेट्रासाइक्लिन लिए हैं, ये भी नहीं भूलना है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लिए, एंटीबायोटिक ठीक, इस पे कौन लिए है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लिए है, एक सेकेंड सब कुछ सही है, हाँ सब कुछ सही ठीक है, इस पे क्या लिए, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लिए, और ये इस पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लिए, तो ये एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक है और ये कौन है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। तो अब हम इसमें जब देखें तो इसमें हमको पता चला कि सर ये जो सेकेंड नंबर का आप लेकर के रखे हैं ना, वो इस पे ग्रो कर रहा है लेकिन थर्ड नंबर वाला ग्रो नहीं कर रहा है, थर्ड नंबर वाला ग्रो नहीं कर रहा है। तो हम इसका निष्कर्ष क्या निकाले, निष्कर्ष हमारे पास निकल करके ये आया कि जो सेकेंड वाला है वो एम्पीसिलिन के प्रेजेंस में तो ग्रो कर ही रहा है, और साथ के साथ में ये जो सेकेंड वाला है वो किसके प्रेजेंस में ग्रो कर रहा है सर, टेट्रासाइक्लिन के ग्रो मतलब प्रेजेंस में भी ग्रो कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम प्लाज्मिड डाले थे, तो जिसके भीतर, जिस भी बैक्टीरिया के भीतर ये जो टी था उसको क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और इसमें इनएक्टिवेशन हो गया है किसका, एक जीन का। तो हम बोल सकते हैं कि सर टेट्रा वाला तो खत्म हो गया, क्योंकि हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर, इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, तो किसी कहीं पे नहीं गया है ना, लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं कि ये तो गया, क्या हुआ, ये तो गया का मतलब है कि ये जो टीईटी है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, वो जीन क्या हो गया, इनएक्टिवेशन यानी कि इसका खत्म हो गया है, जिसके वजह से ये क्या नहीं कर पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो थर्ड वाला है वो यहाँ ग्रो नहीं किया, और हम क्या लिए थे, बैम एच वन लिए थे ना, तो वो क्या किसको काटेगा, टेट्रासाइक्लिन को खत्म कर देगा ना, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंसी को खत्म कर देगा, जिसके वजह से ये एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, मर जा रहा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो है वो रिकॉम्बिनेंट भी है और साथ में ट्रांसफॉर्मेंट भी है, तो ये रिकॉम्बिनेंट और साथ में है ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट, तो रिकॉम्बिनेंट भी है और साथ के साथ में कैसा है, ये ट्रांसफॉर्मेंट भी है, तो रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये जो बच गया सर, ये यहां पे सर्वाइव कर रहा है और यहां भी सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एंटीबायोटिक डाला गया वो टेट्रासाइक्लिन है और यहाँ पे जो डाला गया वो एम्पीसिलिन है, तो ये एम्पीसिलिन में इसलिए सर्वाइव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एंटीबायोटिक पहले से, हम यहाँ पे जो है वो एम्पीसिलिन को डिस्ट्रॉय ऐसे भी नहीं किए हैं, सिर्फ हम किसको खत्म किए थे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट को खत्म किए थे, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट को खत्म नहीं किए थे। तो एम्पीसिलिन वाला यहाँ भी सर्वाइव करेगा और एम्पीसिलिन वाला यहाँ भी सर्वाइव करेगा, क्यों, एम्पीसिलिन वाला यहाँ क्यों सर्वाइव कर रहा है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि हम उसको डिस्ट्रॉय ही नहीं किए थे, क्या नहीं किए थे, डिस्ट्रॉय ही नहीं किए थे, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक मतलब एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ता, लेकिन नहीं किए, इसका मतलब ये जो सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे उसमें टेट्रासाइक्लिन है और इसमें क्या है सर, इसमें एम्पीसिलिन हो रहा है, यानी कि ये क्या है सर, रिकॉम्बिनेंट तो है, यहाँ पे क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब सीधे ट्रांसफर हुआ, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, तो ये जो सेकेंड है वो कौन है, वो है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो आपको एग्जांपल के तौर पर मतलब कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो हम देखते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको समझने के लिए, हम हालांकि समझा दिए एक एक लाइन आपको और कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी हम एक बार पूछते हैं। जैसे कि मान लो बोलेगा कि इस पेट्री डिश पर क्या हो रहा है, जैसे कि हम एंटीबायोटिक क्या डाल दिए, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिए, और उसमें से एम्पीसिलिन डाले और टेट्रासाइक्लिन, एक पेट्री डिश है जिस पे हम क्या डाल दिया है, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाले हैं और एक पर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाले हैं, और एक ग्रुप का बैक्टीरिया जो है वो कहीं सर्वाइव नहीं कर रहा है, ना यहाँ सर्वाइव कर रहा है ना यहाँ सर्वाइव कर रहा है, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि उसके भीतर में कोई नहीं आया का मतलब कोई भी रेजिस्टेंसी जीन नहीं आया, क्योंकि इक्वालाई नेचुरली क्या होता है, एक इक्वालाई नेचुरली जो है वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता है, तो मर जाएगा, सिंपल सी बात है, चाहे ये एंटीबायोटिक रखो तो और चाहे ये एंटीबायोटिक रखो तो वो क्या हो जाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मान लो हम यहाँ पे एम्पिसिलिन रखे हैं, लेकिन एम्पिसिलिन वाला क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, यानी कि एक बैक्टीरिया का ग्रुप सर्वाइव कर रहा है और दूसरा भी सर्वाइव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो है वो कौन है, यहाँ पे हमारे अंदाज से वो मिल सकता है जो क्या है सर, ट्रांसफॉर्मेंट तो है, ट्रांसफॉर्मेंट तो पक्का है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट हुआ तभी बैक्टीरिया क्या बन गया, रेजिस्टेंट बन गया, है कि नहीं। और हम ऐसे भी एम्पिसिलिन को तो डिस्ट्रॉय किए नहीं है, इसलिए वो सर्वाइव तो करेगा ही करेगा। अब हम बाद में बोल रहे हैं कि जब हम सेकेंड पेटेडिस पे डाले, जहाँ पे हम टेट्रासाइक्लिन रखे हैं, तो वहाँ पे दो टाइप का बैक्टीरिया खत्म हो गया। तो एक वो खत्म हो जाएगा जो क्या था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट था, वो खत्म हो जाएगा, और दूसरा वो खत्म होगा जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट था, जो कौन था, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट था, वो भी खत्म हो जाएगा। बच कौन जाएगा सर, तो बच जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, बच कौन जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बच जाएगा। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सर्वाइव करेगा, है ना, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट यहाँ पे क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, यहाँ पे बात कर लिए। अब हमको क्या करना है, आइसोलेशन करना है। तो हम मास्टर प्लेट से किसको आइसोलेट कर लेंगे, सर ये मिल गया हमको टेट्रासाइक्लिन के लिए, हम मिल गया ये वाला मिल गया, यानी कि यही तो हमको निकालना था और ये हम इसलिए तो चेक कर रहे थे। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, आइसोलेशन कर लेंगे, यानी कि यही है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसको क्या कर लेंगे, आइसोलेशन कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्या हुआ, समझ में आया होगा, ठीक है। बस इसके अलावा भी और सारे एग्जाम्पल होता है, लेकिन हम यहाँ पे ले करके नहीं करेंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब हमको बात करते हैं वेक्टर जो है यूज़ करते हैं, जैसे कि कौन कौन से वेक्टर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, बात अब करेंगे। चलो, प्लांट में कौन यूज़ किया जाता है, एनिमल में कौन यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसी के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। चलो, है ना, क्या है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एनिमल में इस तरह की बात करते हैं, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अगर तुमसे पूछा जाए प्लांट में, तो प्लांट में एक एग्जाम्पल याद रखना है, है ना, एक एग्जाम्पल जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। तो प्लांट में ये क्या करता है, वेक्टर, एज अ वेक्टर की तरह इसको यूज़ किया जाता है। ये होता क्या है, सुनो, सबसे पहली बात ये है कि ये जो प्लाज्मिड है ये ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। ट्यूमर का मतलब है कैंसर क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि इसको अगर प्लांट में भेज दो और ये फ्रीली ग्रो करेगा तो प्लांट में क्या कर देता है, ये कैंसर कर देता है, प्लांट में क्या कर देता है, कैंसर कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लांट पूरे तरह से बर्बाद हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है सर, कुछ डाइकोट में, यानी कि सेवरल डाइकोट प्लांट में ये क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस्ड कर देता है, है ना, है ना। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो है वो कुछ डाइकोट प्लांट में ये क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूस्ड कर देता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल हो जाता है, यानी कि कैंसर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कैंसर बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो एक डाइकोट प्लांट हम ले लिए, डाइकोट प्लांट जिसका नाम है सर जैसे कि टोमेटो हो गया, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टमाटो क्या है सर, टमाटो में अगर एग्रोबैक्टीरियम कहीं से आ गया तो वो क्या करता है सर, उसमें एक यहाँ पे आकर के बहुत सारा ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से इस तरह का पौधा इस तरह का बन जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूस्ड हो गया, क्या हो गया,
ट्यूमर इंड्यूस हो गया। सबसे पहली बात ये क्या है, ट्यूमर फिशेंस एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, हाँ, एक तो ये हो गया। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको हम यूज़ कर लेते हैं किसी भी जीन को अगर भेजना हो ना, तो ये आसानी से क्या होता है, सर डाइकोड के भीतर जा सकता है, तो हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको यह याद रखना है कि एग्रो बैक्टीरियम जो है वो क्या करता है, एक डिजीज़ कॉज करता है, उस डिजीज़ का नाम है क्राउन गॉल। क्या नाम है, मतलब कैंसर जिसको बोलते हैं ना उसको क्राउन गॉल के नाम से जानते हैं, क्राउन गॉल, क्राउन गॉल, क्राउन गॉल के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अब एनिमल का बात करें तो एनिमल में कौन होगा सर, एनिमल में आसानी से कौन घुस सकता है, रेट्रोवायरस, है ना, ये वही वायरस है जिससे क्या होता है एचआईवी एड्स होता है, ये उसी का क्या है, उसी मतलब उसी का मेंबर है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, उसी के ग्रुप का एक मेंबर है, जिसको मतलब रेट्रोवायरस से भी क्या किया जा सकता है, रेट्रो वायरसेस, है ना, तो रेट्रोवायरस। प्लांट में पूछे तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशेंस बैक्टीरिया है, एनिमल में पूछे तो रेट्रोवायरस है, एनिमल में पूछे तो क्या है, रेट्रोवायरस है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक और चीज़ होता है जिसको शटल वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शटल वेक्टर, हालांकि अपने एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन फिर भी रिस्क ना लेते हुए एक बार पढ़ लेते हैं वेक्टर, ठीक है। तो शटल वेक्टर ये हो जाएगा। अब शटल वेक्टर के लिए आपको याद रखना है कि ये दो हो जाएगा, एक अलग प्रोकैरियोटिक के लिए अलग, प्रोकैरियोटिक के लिए अलग, और ऑन यूकैरियोटिक, है ना, यूकैरियोटिक के लिए अलग, तो प्रोकैरियोटिक के लिए अलग और यूकैरियोटिक के लिए अलग, ये दोनों बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अलग हो जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में अलग हो जाएगा, यानी कि दे ये बोल सकते हैं कि सर जो शटल वेक्टर है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, ऑन प्रोकैरियोटिक एंड ऑन यूकैरियोटिक, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे कि अगला बात अगर हम करें तो आपको बोला जाएगा इसको हीट और कोल्ड शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं। देखो ध्यान से, जैसे कि और भी तरीके हैं जिससे क्या सकता है सर, प्लाज्मिड को सीधे भेजा जा सकता है, जैसे कुछ वेक्टर के थ्रू। तो वेक्टर कौन कौन मिला सर, बैक्टीरिया मिला, वायरस मिला, है ना, इसके अलावा भी मिला, जैसे उसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन मेनली जो बैक्टीरिया था वो प्लांट में था, इसका नाम क्या था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशेंस, वो प्लांट में था। और एनिमल का बात करें तो रेट्रोवायरस, पर दो एग्जांपल याद रखना है कि प्लांट में कौन सब, प्लांट में मेनली हमको याद रखना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशेंस जो कि एक बैक्टीरिया था, और एनिमल में हमको याद रखना है रेट्रोवायरस। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि बिना हमको जैसे कि होस्ट में सीधे ट्रांसफर करना है, सीधे ट्रांसफर करने का मतलब किसी भी वेक्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी वेक्टर में नहीं भेजो, सीधे होस्ट में भेज दो, जहां भेजना है सीधे वहां भेज दो। तो हम एक काम करते हैं ना सर, एक काम करते हैं, जैसे कि मान लो हमको इकोलाई में कोई भी चीज़ को भेजना है, तो ये छोटा छोटा क्या है, बैक्टीरिया है, है ना। अब हम प्लाज्मिड को लेकर के आए और इसमें रख दिए, प्लाज्मिड को लेकर क्या है, जो प्लाज्मिड हम बना करके रखे उसमें इसको क्या कर दिए, रख दिए। अब हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया है उसको क्या करते हैं, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, और इसमें सॉरी सुनो एक बात करते हैं, रुको, ये बैक्टीरिया है ना, तो इसके पास क्या होगा सर, डीएनए होगा, क्रोमोसोमल डीएनए, इसके पास भी डीएनए, इसके पास क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है, डीएनए होगा। तो डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें हम क्या कर दिए, कैल्शियम को रख दिए, कैल्शियम प्लस प्लस को, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा, लेकिन रुक जाओगी ना, लेकिन हम यहाँ पे कैल्शियम रखे हैं, ये बात ध्यान रखना है, कौन सा रखें, कैल्शियम रख दिए, साथ में जब कैल्शियम रखेंगे तो इसको खाना खूब मिलेगा, ये खूब खाएगा, बैक्टीरिया खूब बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। लेकिन अभी इसके साथ कुछ गेम होने वाला है, देखो क्या होने वाला है, है ना, क्योंकि हम करने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी इसमें डाले हुए हैं, और किसको डाले हुए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी इसमें हम क्या किए हुए हैं, डाले हुए हैं। तो ये ऐसे रख दिए कैल्शियम और साथ में रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो रिकॉम्बिनेंट अगर डीएनए है तो वो भी क्या करेगा सर, इस पर भी नेगेटिव चार्ज ही होगा। चलो अब आते हैं, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम प्लाज्मिड के भीतर इसको भेजना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये प्लाज्मिड है, मान लो आपके बड़ा सा प्लाज्मिड बना देते हैं, ये प्लाज्मिड है और इसके भीतर क्या करना चाहते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट को भेजना चाहते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये रहा, और साथ में सर इसको जो पकड़ के रखा हो कैल्शियम यहाँ पे आ गया, कौन आ गया, कैल्शियम इसके साथ चिपक गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ क्या हो गया, जुड़ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, हॉट
और ये देते हैं हॉट और शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, हीट शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट शॉक ट्रीटमेंट, हीट शॉक ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। अब हीट शॉक ट्रीटमेंट इतना नहीं दिया जाता है कि ये मर जाए, है ना। जैसे कि गर्म इसको क्या जाए 42 डिग्री सेल्सियस पर, कितना पर? 42 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। अब 42 डिग्री से उठा करके फिर कहाँ रख दिया जाएगा? इसको आइस पर रख देंगे, फिर 42 डिग्री पे रखेंगे, फिर आइस पे रखेंगे, फिर 42 डिग्री पे रखेंगे, फिर आइस डिग्री आइस पे रखेंगे। अब ये बेचारा जो इक्वल आई है वो भी सोचेगा कर क्या रहे हो, तो कर ये रहे हैं। इससे क्या होगा, 42 डिग्री का खैर 42 डिग्री सेल्सियस इक्वल आई के लिए कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, और आइस भी उसके लिए क्योंकि वो हर जगह पे सर्वाइवेबल है तो उसके लिए ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पे लगातार इधर उधर करने पर क्या होता है, इसका जो पोर है ना वो ढीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? इसका जो पोर है वो ढीला पड़ जाता है, यानी कि इक्वलाई का जो पोर है वो क्या हो जाता है? ढीला पड़ जाता है। अब जैसे ही इक्वलाई का पोर ढीला पड़ा तो कैल्शियम क्या होगा, इसके तरफ खींच करके आएगा, नेगेटिव इसके तरफ आया डीएनए की तरफ, यानी कि इक्वलाई के डीएनए की तरफ खींच करके आएगा। और जैसे ही इक्वलाई की तरफ आ रहा होगा साथ में क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा? रिकॉम्बिनेंट भी इसके भीतर ही मौका पा करके क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। देखो घुस गया, तो अब हमारा ये ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, ये जो इक्वलाई बना वो कौन बना? ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट बन गया, हमको जो चाहिए था वो हम कर दिए। तो ध्यान रखना कितना डिग्री सेल्सियस पे, 42 डिग्री सेल्सियस पे, कितना डिग्री पे, 42 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्या हो गया यार, देख सकते हो, तो क्या हुआ यहाँ पे सर, इस तरह का कार्यक्रम हुआ और ये हो गया। चलो ठीक है, अब हम दूसरा मेथड, यानी कि ये जो मेथड है वो बिना किसी वेक्टर के, बिना किसी वेक्टर के मदद लिए ही क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो पहला से दूसरा हो गया माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन मेनली कहाँ पर यूज़ किया जाता है सर? तो माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में यूज़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है। कहाँ पर? एनिमल सेल में, एनिमल सेल में। ठीक है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी तो ये किया जाता है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एक ले लिया फीमेल का और मेल के स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू क्या कर दिया, अंदर पे पेनिट्रेट कर दिया, इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन याद रखना है कि किसमें, बिना बिना होस्ट के कहाँ, किसके मेथड है सर? माइक्रो इंजेक्शन मेथड है एनिमल सेल के लिए, किसके लिए? एनिमल सेल के लिए। इसमें कुछ भी खास बात याद नहीं रखना है, इसमें बस ये रखना कि माइक्रो इंजेक्शन होता है। तीसरा बात हम याद रखें, तो तीसरा बात हो जाएगा बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक गन, बायोलिस्टिक लिस्टिक्स और जीन गन, इसको बोलते हैं जीन गन। गन का मतलब गोली ना, गोली बंदूक, ठीक है वही है। सुनो ध्यान से, इसमें क्या होता है कि इसमें एनिमल का सेल सामने रख दे, सॉरी प्लांट का सेल ना, बायोलिस्टिक गन है तो ये प्लांट के सेल के लिए ऐसा किया जाता है। प्लांट के सेल के लिए सबसे पहले तो प्लांट सेल के लिए, किसके लिए? प्लांट सेल के लिए ऐसा किया जाता है। और अगली बात ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या करते हैं, हम गोली मारते हैं, पर इसमें जो गोली लगा होता है वो किसका लगा होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो जो गोली लगा होगा वो या तो गोल्ड का होगा, या तो वो गोल्ड का बना होगा, या फिर किसका होगा, टंगस्टन का पार्टिकल होगा, टंगस्टन, टंगस्टन का, तो गोल्ड या फिर टंगस्टन का पार्टिकल होता है, तो इसमें हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, बस ठीक। तो यहाँ तक हम आज कंप्लीट किए, अगला जो अभी लेक्चर आएगा उसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बात पढ़ा उसको आप एक बार आराम से देखो बैठ करके, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर नोट्स मिले वो पढ़ो, एकदम चैप्टर कंप्लीट आसान बन जाएगा। और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम भेजेंगे, उसको भी क्या कर लेना है, कर लेना है। तो इन सभी को करने के बाद ये चैप्टर आपको हल्का लगने लगेगा। जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन भी एक बार हम भेजेंगे आपको, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आज तक यहीं रखते हैं।